Welcome to you all in today's GK session. So in the previous session we have studied the chapter that is Water Animals, and today we are going to study the chapter that is chapter number 5, Healthy Vegetables. पिछले session में हमने water animals के name पढ़े थे और आज हम healthy vegetables पढ़ेंगे कि कौन कौन से healthy vegetables होते हैं जिसे कि हम salad की तरह या soup की तरह यूज कर सकते हैं, विच आर बेनिफिशियल फॉर अवर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी माने जाते हैं. सो इन योर बुक, आपके बुक में वेजिटेबल्स, हेल्दी वेजिटेबल्स के नेम दिए हुए हैं, विच आर अनस्क्रैम्बल, जो ब्लैंक्स में है, जिनके कुछ बीच बीच में से लेटर्स हटा दिए गए हैं. यू हैव टू कम्प्लीट दैट वर्ड्स बाय सीइंग द पिक्चर, आपको पिक्चर देख के उन वर्ड्स को कम्प्लीट करना है. सो हियर आर दोज वर्ड्स, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक से अंडरलाइन है, मतलब वो वर्ड जो है आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं. सो नाउ लेट्स सी विच आर दोज वर्ड्स, विच आर दोज हेल्दी वेजिटेबल्स, वो कौन कौन से हेल्दी वेजिटेबल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं. द फर्स्ट वन इज टोमेटो. इफ यू सीन योर बुक, अगर आप अपनी बुक में देखें तो वहां पर ये टी एम और टी नहीं दिया हुआ है. यू हैव टू फिल दीज इन योर बुक, आपको ये अपनी बुक में पेंसिल से फिल करना है. सो द फर्स्ट वन इज टोमेटो, पहला क्या है टोमेटो. टोमेटो मीन्स टमाटर, टी ओ एम ए टी ओ टोमेटो. सो स्पेलिंग इज टी ओ एम ए टी ओ टोमेटो. Now,
ये क्या हो गया, ये थे कुछ हेल्दी वेजिटेबल्स जो आपकी बुक में दिए हुए थे। आपको इन हेल्दी वेजिटेबल्स के नेम जो हैं, पहले तो अपनी बुक में फिल करना है कि कौन कौन से लेटर्स जो हैं नहीं दिए हुए। जैसे यहाँ पे ब्लैक, जैसे आप बीन्स में देखो तो यहाँ पे ई के नीचे अंडरलाइन है, मतलब वहां पे ई नहीं लिखा है। इस तरह से आपको अपनी बुक में फिल करना है। उसके बाद आपको अपनी जीके की कॉपी में ऐसे चैप्टर डालना है, चैप्टर 5, फिर आप डालोगे हेल्दी वेजिटेबल्स। उसके बाद आप जितने भी हेल्दी वेजिटेबल्स के नेम यहाँ पर बोर्ड में लिखे हैं उसको आप नंबर 1, 2, 3, 4 करके आप उन हेल्दी वेजिटेबल्स के नेम लिखेंगे। सो ये आपका रहेगा होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, टिल दैट थैंक यू।